हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है और क्यों चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स से फर्म चार्ज करती है। ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो पार्टनर्स बिजनेस से निकालते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज। चूंकि बिजनेस से ये विड्रॉ किया गया है फॉर पर्सनल यूज, इसलिए इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि ये कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं। They are different from each other. तो अगर partners कोई भी पैसा या कोई withdrawal करते हैं business में से, तो उसको as a drawing treat किया जाता है। जो भी interest charge किया जाता है वो date of withdrawal के base पर किया जाता है, यानी जिस दिन से date of withdrawal होगा उस दिन से interest calculate किया जाता है। एक important चीज यहाँ ध्यान रखनी है, अभी हमने पढ़ा कि डेट ऑफ विड्रॉल के बेस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। इन एनी केस अगर डेट ऑफ विड्रॉल मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। मेथड्स कौन कौन से हैं कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के? पहला है सिंपल मेथड। इस मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे, हर ड्राइंग्स पे सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया गया है, तो हम 31 मार्च, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, यहां तक के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या किया जाता है? पहले प्रोडक्ट्स को कंप्यूट किया जाता है। हर जो ड्राइंग होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी उससे मल्टीप्लाई करके पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को ऐड करके तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मेथड में हम क्या कर रहे थे कि हर ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। प्रोडक्ट मेथड पे हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद उस पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा हमें क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी। क्वेश्चन है, एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023। डेट्स दी हुई हैं, May 1st को उसने 20,000 अमाउंट निकाला, July 31st को 10,000, September 30 को 30,000, November 30 40,000, 1st January 20,000 और 31st मार्च को 25,000। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 9% पर एनम पर। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से। पहले एक साइड हम लिखेंगे डेट, अमाउंट, पीरियड, चौथा कॉलम हम बनाएंगे इंटरेस्ट का। सबसे पहली डेट क्या है? May 1st। May 1st को उसने कितना पैसा निकाला है? 20,000 का। बुक्स कब क्लोज होंगी? 31 मार्च को, तो मे से हम जोड़ेंगे, तो मे टू 31 मार्च हमारा कितना हो गया? 11 मंथ्स। दूसरा डेट क्या है आपका? July 31st। July 31st को उसने कितना अमाउंट निकाला है? 10,000। अब July 31st से अगर हम 31 मार्च तक देखें तो आपका मंथ कितना बना? 8। इसके बाद अगला जो अमाउंट निकाला गया है वो है सितंबर 30 को अमाउंट निकाला गया है ₹30,000। अब सितंबर 30 से 31 मार्च तक कितना हो गया आपका? 6 मंथ्स।
नेक्स्ट है नवंबर, नवंबर 30 को इसने कितना अमाउंट निकाला है? ₹40,000. कितना समय बचा? 4 months. नेक्स्ट है जनवरी 31st में इसने अमाउंट जो निकाला है वो ₹20,000. अब जनवरी 31st से 31st मार्च कितना हुआ आपका? 3 months. मार्च 31st इस पे इसने कितना अमाउंट निकाला है? ₹25,000. मंथ कितना हुआ हमारा? 0. अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारे इंटरेस्ट का? अमाउंट कितना है May 1st को? देखिए 20,000 है, इनटू इंटरेस्ट हमको कितने पे करना है? 9 पर एनम पर. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 9/100. कितने मंथ्स के लिए करेंगे? तो 11/12. यहाँ आप फॉर्मूला देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12. 3 3s are 9, 3 4s are 12. ये आपका 10 से कट जाएगा. 2 2s are 4. तो ये हमारा आ जाएगा 1650. तो फर्स्ट जो अमाउंट निकलेगा वो हो गया आपका 1650. इसी तरीके से हम बाकी भी कैलकुलेट करेंगे. अगला कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 इंटू 9/100 इंटू 8/12. तो ये हमारा आ जाएगा ₹600. ये यहाँ हम लिख लेते हैं ₹600. इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट अमाउंट कितना है? ₹30,000 है इंटू 9/100 इंटू मंथ्स कितने हैं? 6/12. 2 3s are 6, 2 2s are 4. ये कैलकुलेट करेंगे आप, आएगा 1350. तो यहाँ हमारा क्या हो गया? 1350. अगला कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट. वो हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12. ये आएगा आपका 1200. इसी तरीके से नेक्स्ट निकाल लेंगे. नेक्स्ट है आपका 20,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12. ये आ गया आपका ₹450. ये हमारा हो गया 1200, ये हो गया ₹450 और ये हो गया आपका 0. तो देखिए हर मंथ का हमने सिंपल मेथड से अलग अलग इंटरेस्ट निकाला है. डेट होगा, अमाउंट होगा, फिर हम पीरियड निकालेंगे कि कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टिल द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. ये निकालने के बाद हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे. तो इस तरीके से सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड से निकाल लेते हैं कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, इसके बाद यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे, इसके बाद हमने क्या लिखा था? पीरियड लिखा था, पीरियड लिखेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे प्रोडक्ट. डेट लिखिए, पहला डेट है हमारा May 1st, अमाउंट था हमारा 20,000, पीरियड कितना था हमारे पास? 11. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट इनटू, ये हो जाएगा आपका अमाउंट इनटू पीरियड. तो ये कितना हो गया हमारा? 2,20,000. इसी तरीके से बाकी हम कैलकुलेट करेंगे. दूसरा है आपका July 31st, अमाउंट था आपका 10,000, मंथ कितना बचा यहाँ पर? 8. तो ये आपका क्या हो गया? ₹80,000, 80,000. फिर है हमारा September 30, अमाउंट था हमारा 30,000, कितना मंथ बचा था? 6. तो ये कितना हो गया आपका? 6 3s are 18, ये हो गया आपका 1,80,000. नेक्स्ट है हमारा नवंबर 30, अमाउंट था हमारा ₹40,000, मंथ कितना बचा हमारे पास? 4. तो ये हो गया हमारा 1,60,000. अगला हमारा कितना था? January 31st, अमाउंट है हमारा 20,000, मंथ कितना बचा हमारे पास? 3 3 2 6, ये हो गया आपका ₹60,000. और लास्ट था हमारा March 31st, जिसपे आपका अमाउंट था ₹25,000,
टाइम कितना बचा, जीरो, ये हो गया आपका जीरो। अब हम प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 7 लाख, और ये हमारा अमाउंट का टोटल है आपका 1,45,000। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का टोटल कितना है हमारा 7 लाख रुपीज इंटू इंटरेस्ट रेट क्या है 9% इंटू 1/12, 7,000 इंटू 3 हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ जाएगा 5,250। इंटरेस्ट हमारी हो गई 5,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स। अगर मंथली पैसा निकाला जाए तो उस समय हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। यू आर इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ड्रॉज 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सी ड्रॉज 10,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 8% पर एनम पर, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पर हमको क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, पर हमें यहां पर जब मंथली ड्रॉइंग की बात आएगी तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कब कब कौन सा कितना मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, वो ज्यादा इजी रहेगा। अब क्वेश्चन पे आए अगर तो पहला क्या लिखा है कि ए ने 10,000 रुपए निकाले हैं 10,000 रुपीज एट द रेट, इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी मंथ की बिगिनिंग में कोई भी पैसा निकाला जाता है तो यहां पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। 6.5 मंथ्स के लिए आप यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, अब यहां ये ध्यान दीजिए 10,000 रुपए निकल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहले हम पूरे साल की ड्रॉइंग्स निकालेंगे तो ये कितनी हो गई आपकी 10,000 इंटू 12 करेंगे, ये हो गया हमारा 1,20,000। इंटरेस्ट का रेट क्या है 8/100 करेंगे इंटू 6.5/12, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5,200। सेकेंड केस देख लेते हैं। बी ने विड्रॉ किया कितना 10,000 रुपए एट द रेट 8% पर एनम एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर एंड में हमें निकालना होगा तो आप निकालेंगे 5.5 मंथ्स के लिए, इंटरेस्ट निकलेगा फॉर 5.5 मंथ्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5/12, तो ये अमाउंट आ गया आपका 4,400 इंटरेस्ट। इसी तरीके से सी का है, सी में क्या दिया है कि सी ने पैसा निकाला है कितना 10,000 रुपया निकाला है एट द रेट 8% पर एनम इन द मिडिल ऑफ द मंथ, तो अगर मिडिल ऑफ द मंथ में निकाल रहा है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे आप तो आएगा आपका 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, या इंटरेस्ट आ जाएगा 4,800। तो ये जो मंथली हमने निकाला है मंथ 6.5 और 6 मंथ्स, ये हमें याद रखना होगा कि ड्रॉइंग कब की जा रही है, मंथ में कब ड्रॉइंग की जा रही है, उसी बेस पर हम एवरेज पीरियड निकाल करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉइंग ऑफ इक्वल अमाउंट मेड इन क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है यहां पर 3 मंथ्स। अगर हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट कैलकुलेट किया जा रहा है उस केस में कैसे इंटरेस्ट हम निकालेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं।
Calculate interest on drawings of Mr. Y at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2024. In the following cases, if he withdrew 20,000 in the beginning of each quarter, if he withdrew 20,000 at the end of each quarter, if he withdrew 20,000 at the middle of each quarter. तो जैसा मैंने आपको बताया क्वार्टर मतलब क्या है हमारा 3 months. फॉर्मूला वही रहेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2. तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला जा रहा है तो हम 7.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. एंड में निकाला जा रहा है तो 4.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और मिडिल में निकाला जा रहा है तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. सबसे पहला क्या किया गया है, अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें 20,000 मंथ हर बार निकाला जा रहा है तो टोटल पहले हम इसको निकाल लेंगे. यहाँ पे ये ध्यान रखिए बात किसकी हो रही है, क्वार्टर की हो रही है. और क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स. यानी टोटल कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास, 4. टोटल 4 क्वार्टर होते हैं यानी 4 टाइम्स अमाउंट निकाला जा रहा है. तो यहां हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 4 तो ये कितना हो गया आपका, 80,000 रुपीज. अब पहला केस में हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 80,000 इंटू रेट था आपका 10 बाय 100 इंटू 7.5 बाय 12. ये इंटरेस्ट आपका आ जाएगा रुपीज 5,000. सेकेंड केस हमारा क्या हो गया, 80,000 अमाउंट है हमारा, इंटरेस्ट कितना है 10 बाय 100, एंड ऑफ द मंथ है तो किससे कैलकुलेट करेंगे, 4.5 बाय 12 से. ये आपका आ जाएगा रुपीज 3,000. नेक्स्ट केस क्या है, 80,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 6 बाय 12 तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 4,000. ये क्या हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ द अमाउंट इज विड्रॉन इन क्वार्टर्स. नेक्स्ट है ड्रॉइंग ऑफ इक्वल अमाउंट्स मेड इन 6 मंथ्स. अगर टाइम पीरियड 12 महीने के बजाय कितना है, सिर्फ 6 महीने का है, तब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. W, X and Y are partner in a firm. W withdraw 6,000 in the beginning of every 6 month. X withdraw 6,000 at the end of every 6 month. And Y withdraw rupees 6,000 at the middle of every 6 month. Interest on drawing 8% पे निकालना है. तो 6 महीने का अगर time period है और beginning में निकाला जा रहा है तो हम 3.5 months के लिए interest निकालेंगे. End में निकाला जाएगा तो 2.5 मंथ्स के लिए और मिडिल में होगा तो 3 मंथ्स के लिए. कैलकुलेट कर लेते हैं. पहला केस क्या है, एक्स ने कितना अमाउंट निकाला है. पहले तो देखिए 6,000 अमाउंट है, हम सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेशन ही कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 36,000. 6×6=36. तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 36,000. 36,000 इंटू 8 बाय 100 इंटू 3.5 बाय 12. ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 840 रुपए. दूसरा देख लेते हैं. दूसरा केस क्या है, 36,000 इंटू 8 बाय 100 इंटू 2.5 बाय 12. ये हमारा अमाउंट आ जाएगा रुपीज 600. थर्ड केस क्या हो जाएगा आपका, 36,000 इंटू 8 बाय 100 इंटू 3 बाय 12. ये हो गया आपका रुपीज 720. इस तरीके से 6 मंथली अगर होगा उस केस में, 6 मंथ्स के केस में एट द बिगनिंग ऑफ 6 मंथ होगा तो 3.5 से इंटरेस्ट निकालेंगे 3.5 मंथ्स के लिए. एंड होगा तो 2.5 मंथ्स के लिए. और अगर मिडिल होगा तो 3 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट देखिए, ड्रॉइंग है ऑफ इक्वल अमाउंट मेड इन 9 मंथ्स. अगर 9 मंथ्स में ड्रॉइंग्स की जा रही है तब हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे.
क्वेश्चन देख लेते हैं. पी आर एंड एस आर पार्टनर्स. गिवन दैट पी विड्रू रुपीज 8,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी 9 मंथ, आर विड्रू 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी 9 मंथ, एस विड्रू 8,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी 9 मंथ. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम. तो देखिए, अगर बिगनिंग में निकाल रहा है 9 मंथ्स की, तो 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. मिडिल में निकाल रहा है, सॉरी एंड में निकाल रहा है, तो 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. और अगर मिडिल में निकाल रहा है तो 4.5 मंथ्स के लिए. देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट निकाल रहा है, 8,000 रुपीज 9 मंथ्स के लिए है, तो ये आपका हो गया आपका 72,000. पहला केस देख लेते हैं. अमाउंट है आपका 72,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12, 6 5 30, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट 3,000. सेकेंड केस देख लेते हैं. 72,000 इंटू 10/100 4/12, 6 4 24, ये हो गया आपका 2,400. और सी केस कितना हो गया आपका, 72,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12, तो ये आपका हो गया 2,700. तो ये हम इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब 9 मंथ्स में ड्रॉइंग्स की जा रही है. नेक्स्ट केस है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस लगाए उसमें आपको लिखा था पर एनम. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम. अगर पर एनम न मेंशन किया हो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम किस तरीके से ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चंस देखते हैं. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्रॉइंग. पहला है, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम. दूसरा है, इफ शी हैज विड्रॉन रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट 10%. अब इस केस में क्या होगा, पहले में आप देखिए 40,000 ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने निकाला है अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है. यानी यहाँ पे देखिए डेट मेंशन नहीं है कि ड्रॉइंग कब की गई है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ्स के लिए होगा. तो पहले केस में क्या हो गया आपका, 40,000 अमाउंट निकाला गया है, रेट क्या है 10/100, कितने के लिए मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, 6 महीने के लिए, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं की गई है. तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, कैलकुलेट करने पे आएगा अमाउंट रुपीज 2,000. अब दूसरा केस देखिए, 40,000 रुपए उसने निकाले हैं, अमाउंट कितना निकाला है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है. अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पूरे 12 महीने के लिए. दो चीजें यहां पर हैं, पहले केस में पर एनम मेंशन है लेकिन डेट मेंशन नहीं की गई है. तो जब पर एनम मेंशन किया गया हो लेकिन डेट मेंशन न की गई हो तो हम 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे. और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो लेकिन उसमें पर एनम मेंशन ही ना किया गया हो तो हम 12 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. यहां पर भी देखिए डेट मेंशन नहीं है लेकिन यहां पर एनम भी नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा रुपीज 4,000. तो ये क्या है, सभी केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के, अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट की जाती है. ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म, 31 मार्च 2023 में इनकी ड्रॉइंग्स दी गई है, डेट्स आपको मेंशन की गई है, अमाउंट मेंशन किया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है. तो इस पे आप सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एबीसी पार्टनर है, इन्फॉर्मेशन दी है, ए विड्रॉ कर रहे हैं 20,000
बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में, 20,000 बी निकाल रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी निकाल रहे हैं 20,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट करना है ऑफ मिस्टर वाई एट द रेट 10% पर एनम। केसेस हैं 10,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 एट द एंड ऑफ क्वार्टर, और 10,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मंथली ड्रॉइंग के केस में देखिए, बिगनिंग में 6.5 मंथ्स, एंड में है तो 5.5 मंथ्स, मिडिल है तो 6 मंथ्स, क्वार्टरली है अगर यानी 3 महीना, टोटल 4 क्वार्टर, बिगनिंग में 7.5 मंथ्स, एंड में अगर ड्रॉइंग है तो 4.5 मंथ्स, और मिडिल में है तो 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का केस है अगर, तो बिगनिंग में 3.5 मंथ्स, एंड में 2.5 मंथ्स, और मिडिल में 3 मंथ्स। 9 मंथ्स का अगर केस है तो बिगनिंग में 5 मंथ्स के लिए निकलेगा, एंड होगा तो 4 मंथ्स, और मिडिल या एनी टाइम इन द ईयर, एनी टाइम इन द ईयर अगर है या मिडिल में है तो 4.5 मंथ्स। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।